दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया हो या फिर नेशनल मीडिया हो, हर जगह पर एक नाम बार बार चर्चा में आ रहा है, वो है लक्षद्वीप। सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है लक्षद्वीप। देश में केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जिसकी आबादी है लगभग 70,000 के करीब। बचपन में आपने जरूर पढ़ा होगा कि 36 द्वीपों का समूह कहलाता है लक्षद्वीप। और आज यहां पर सियासी ज्वार बार बार उठ रहा है। उठने के पीछे का कारण क्या कुछ है वो आपको बताएं, उससे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर किस वजह से यहां पर समुद्र की हवाएं गर्म हो गई हैं। वो है बीजेपी के गुजरात से बड़े चेहरे और गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री, लक्षद्वीप के वर्तमान के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, जिनके एक मसौदे को लेकर बवाल खड़ा हो गया। हालांकि उनका कहना है कि यह मसौदा लक्षद्वीप में विकास के बयार को बहा देगा, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जबरन मसौदा विशेष समुदाय के दमन की नीति को बढ़ावा देता है। खुद राहुल गांधी भी इस मामले में कूद पड़े हैं और इस वजह से ये विवाद और ज्यादा गर्मा गया। हालांकि पटेल के मसौदे में ऐसा क्या है, वो विवादों में क्यों पड़ा, वो बताते हैं आपको। लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021 यानी कि LDAR, ये मसौदा है जिसमें विकास के उद्देश्य से किसी भी संपत्ति को जब्त करने और उसके मालिकों को स्थानांतरित करने या हटाने की अनुमति देता है। इस मसौदे में असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज पासा एक्ट भी पेश किया गया, जो किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से गिरफ्तारी का खुलासा किए बिना सरकार की ओर से एक साल तक हिरासत में रख सकता है। इसके अलावा मसौदा पंचायत चुनाव में भी अहम है। यहां पर अगर किसी व्यक्ति के 2 से ज्यादा अगर बच्चे हैं तो वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएगा इस मसौदे के आने के बाद। लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियम भी इसमें जोड़ा है, जिसमें स्कूलों में मांसाहारी भोजन परोसने पर प्रतिबंध के साथ गौमांस की बिक्री, खरीद या फिर खपत पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। अब इस कानून के तहत लक्षद्वीप में शराब के सेवन पर भी रोक हटा दी गई है। पहले हालांकि ऐसा था नहीं और इसको लेकर भी बहुत ज्यादा विरोध है। अब बताते हैं कि विवाद किन किन बातों को लेकर खड़ा हो रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि शराब की बिक्री अब कर दी जाएगी हर जगह, जिसको लेकर विवाद है। इस कानून पर विपक्ष का कहना है कि क्षेत्र के ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहचान नष्ट करने का प्रयास हो रहा है। पटेल साहब बेवजह दमनकारी कानून लागू कर रहे हैं, गुंडा एक्ट की जरूरत है नहीं, लेकिन यहां पर ऐसा किया जा रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार महिलाओं पर हमले के केवल 5 मामले दर्ज हुए, फिर भी ऐसा कठोर कानून क्यों, बिना मशवरा बिना सलाह के ऐसा कानून क्यों थोपा जा रहा है जो लक्षद्वीप की पहचान को मिटा देगा। इसके अलावा लक्षद्वीप खूबसूरत है, बेशकीमती है और पटेल विकास के नाम पर यहां पर करोड़ों की जमीनों को कॉरपोरेट्स घरानों को यूं सौंप देंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। लक्षद्वीप में पशुओं के संरक्षण के नाम पर बीफ बैन किया जा रहा है, जो सीधे मुसलमानों को टारगेट करता है। यहां पर आबादी 95% मुसलमानों की है और बीफ के उत्पादन बिक्री ढुलाई पर नियंत्रण लागू कर दिया जाएगा अगर ऐसा होता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक चिट्ठी लिखी जा चुकी है कि इसे वापस किया जाना चाहिए। यह मसौदा 28 अप्रैल को तैयार हो गया था दोस्तों, उसे वापस किया जाना चाहिए, यही मांग हो रही है। हालांकि पटेल ने विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया, बेबाकी के साथ कहा कि यह कठोर कदम तो उठाना जरूरी है। इस वजह से भी, क्योंकि इन दिनों केरल और साउथ का अगर जिक्र करें तो यहां पर लगातार असामाजिक लोगों की एंट्री न हो जाए लक्षद्वीप में, उसको बचाने के लिए कठोर नियम जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी मालदीव की तरह लक्षद्वीप को विकसित करना है तो कुछ कष्ट तो उठाना पड़ेगा। बहरहाल आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।